आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदं मम भास्करा दिवाकरा नमस्तुभ्यं प्रभाकरा नमोस्तुते। जय माता दी। मित्रों, 17 अक्टूबर 2022 में दुनिया को प्रकाश व जीवन देने वाले सूर्यदेव नीच राशि में जा रहे हैं। बन रहा है सूर्य ग्रहण दोष, जो कि 7 राशियों को प्रभावित करेगा। किसी को अच्छा फल देगा, किसी को खराब फल देगा, वो क्या देगा इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो सूर्य तुला राशि में जाने वाले हैं। कुछ यूट्यूब चैनल में आप देखेंगे या ब्लॉग में आप देखेंगे कि सूर्य नीच राशि में जा रहे हैं तब भी उसको अच्छा राशि फल बता रहे हैं। ये लॉजिक मेरी समझ के बाहर है कि आप देखेंगे, आप मेरी बात को यकीन नहीं करें ना, 2-4 लोगों के YouTube चैनल निकाल के देखो। मित्रों, आज देखो, आज देख लो, सूर्य नीच राशि के जा रहे हैं तो ऐसे में अच्छा इफेक्ट कैसे मिल सकता है। बल्कि शास्त्र में लिखा है, नीचस्थे सूर्यो मात्र पितृ सुख राज्य कष्ट दायका नेत्र कष्ट दायका, ये शास्त्र में लिखा हुआ है, संस्कृत में श्लोक है। तो वो अच्छा सुख कैसे दे सकता है, मेरी ये समझ में नहीं आया। तो बहुत से लोग जो लिख रहे हैं कि 17 अक्टूबर से 4 राशियों का होगा धन लाभ, बन जाएंगे करोड़पति, बन जाएंगे अरबपति। कैसे बन जाएंगे जब सूर्य नीच राशि के हैं, केतु के साथ में बैठे हैं, एक तरफ से राहु की उन पर दृष्टि है, सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है, तो कैसे बन जाएंगे, लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है जो मैं बता रहा हूँ। तो सूर्य कुंडली में पहले हम जानते हैं किन किन चीज़ों का कारक होता है और सूर्य के डाउन होने से क्या प्रभाव पड़ेगा और लॉजिक है उसका। आप देखेंगे तो सूर्य इस समय पे, आप अभी अगर हम देखेंगे तो दिन छोटे छोटे और रात बड़ी बड़ी होती जा रही है और तुला राशि के अंदर भी सूर्य डाउन होते जा रहे हैं। तो ये जो हमारा ज्योतिष है ना, वो लॉजिक से बना है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि नीच राशि के सूर्य कुछ भी भेड़े जा रहे हैं, उससे क्या होता है, जो सही बता रहे हैं ना उनको भी लोग नहीं देखते हैं, विश्वास ही नहीं करते। मित्रों, कुछ लोगों को बुरा लगा हो लेकिन क्षमा प्रार्थी, आपको सही सूचना देना मेरा अधिकार है। देखिए, कुंडली में सूर्य जो है प्रभाव देता है किसी व्यक्ति पे, अगर आपको रौ प्रभाव देना है तो उसके लिए सूर्य का अच्छा होना कुंडली में जरूरत अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ पुरुषार्थ का कारक होता है, यश का कारक होता है, राजनीति का कारक सूर्य होता है, सरकार का कारक सूर्य होता है, मंत्री पद भी सूर्य के कारण ही मिलता है, राजा सूर्य के कारण ही व्यक्ति बनता है, पिता का कारक भी सूर्य ही होता है, नेत्र हृदय का कारक भी सूर्य ही होता है। जिनका सूर्य डाउन होता है अक्सर उनको BP हार्ट के इशू एक एज के बाद होते हैं। मैंने 90% लोगों की कुंडली में देखे हैं, 30 साल का अनुभव है मेरे पे, तो इसलिए बता रहा हूँ। और जब ये नीच के होते हैं तो कुछ राशियों पे इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, जो एक महीना यानी 17 अक्टूबर 2022 से और 17 नवंबर 2022 एक दिन आगे पीछे राशि परिवर्तन होता है तो उसमें पड़ेगा। और उस समय पे क्या है कि सूर्य पे राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, यानी कि सूर्य ग्रहण दोष भी बन रहा है जो 7 राशियों पे प्रभाव डालेगा। वो राशि है कौन सी है, उनको सावधानी रखनी है। पहली राशि है मेष राशि। तो मेष राशि के लिए देखा जाए तो पत्नी या प्रेमिका के साथ में आपके अनबन हो सकती है, घूमने फिरने के जो आपने प्लान बना रखे हैं वो आपके कैंसिल हो सकते हैं, पार्टनर का जो आपके वर्किंग पार्टनर है उनका बॉस से कोई वाद विवाद हो सकता है, खासकर 1 तारीख से लेकर 13 नवंबर पे आपके पार्टनर पे उनके करियर पे विशेष प्रभाव पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी राशि, वो है मिथुन राशि। इस पे प्रभाव पड़ेगा घर के रेनोवेशन के काम, यदि आप 17 अक्टूबर के बाद छेड़ते हैं तो कई तरह की समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा, बिजली पे आपका खर्चा आएगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और पिता को स्वास्थ्य का कष्ट रह सकता है, 17 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक वो योग बन रहा है, इस समय पे सूर्य का नेगेटिव प्रभाव आप पर चरम पे रहेगा। इसी प्रकार से जो तीसरी राशि है वो कर्क राशि है। तो कर्क राशि में देखा जाए माता पिता के स्वास्थ्य में कष्टकारी ये ग्रहण का प्रभाव रहेगा, उच्च अधिकारियों की नाराज़गी, बॉस की नाराज़गी आपको झेलनी पड़ सकती है, नेत्र BP या पेट की समस्या आपको रहेगी। 1 नवंबर से 13 नवंबर तक जो ये सूर्य ग्रहण दोष है इसका प्रभाव आपकी राशि पर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं चौथी राशि, कन्या राशि है चौथी राशि, उनको देखा जाए तो
सूर्य का जो नीच राशि परिवर्तन है तो आप थोड़ा सा लो सा फील करेंगे, थकान सा महसूस करेंगे, थोड़ा तनाव भी, बेचैनी भी आपके अंदर रहेगी। सरकारी भुगतान चालान पेनल्टी का सामना आपको करना पड़ेगा, बिजली का बिल हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ आपका आएगा जो कि आपको भुगतान करना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति होगी 17 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में, याद रखिएगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो तुला राशि का अगर बात करें तो तुला राशि को भी बेचैनी रहेगी और थकान रहेगी, पेट संबंधी इशू रहेंगे, साथ ही साथ उनकी माता पिता से किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद रह सकता है। 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में सूर्य ग्रहण, सूर्य नीच राशि के जाने का प्रभाव तुला राशि पे पड़ेगा, मतलब ये इसी समय पे पड़ेगा, याद रखिएगा। इसी प्रकार से जो छठी राशि है वो वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि पे देखा जाए तो नेत्र, बीपी या पेट की समस्या आपको बनी रह सकती है, 17 अक्टूबर के बाद बन सकती है, बुखार आपको आ सकता है 17 अक्टूबर से लेकर और 30 अक्टूबर तक। ऐसी स्थिति हेल्थ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। इसी प्रकार से जो अंतिम राशि है वो मीन राशि है, तो मीन राशि में देखा जाए तो उनको ENT प्रॉब्लम, बुखार की प्रॉब्लम, बेचैनी की प्रॉब्लम रह सकती है, पति पत्नी में आपस में वाद विवाद किसी टॉपिक को लेकर हो सकता है और बार बार झगड़ते रहेंगे, प्रेमी प्रेमिका भी बार बार झगड़ते रहेंगे। 17 तारीख से लेकर 30 अक्टूबर तक सूर्य ग्रहण का आप पे प्रभाव पड़ेगा, तो ये जो 7 राशियां हैं इनको, इन पे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, बाकी जो 5 राशियां पड़ी हैं उन पे कोई प्रभाव नहीं है, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, जय माता दी।